गाइज ये है फेविक्विक और ये काम आती है चीजों को बहुत मजबूती से चिपकाने में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस फेविक्विक के लिक्विड फॉर्म को सॉलिड बनाया जा सकता है? दूसरे शब्दों में क्या फेविक्विक को जमाया जा सकता है? तो आज हम यही टेस्ट करने वाले हैं। फेविक्विक को डालेंगे ठंडी ठंडी लिक्विड नाइट्रोजन में जो कि है इस बॉटल के अंदर, और फिर देखते हैं कि क्या हम फेविक्विक का सॉलिड फॉर्म बना सकते हैं या नहीं, वो कैसा काम करता है, और उसके बाद में जब वो फिर से गर्म होगा तो क्या होगा, वो फिर से किसी चीज को चिपका पाएगी या नहीं। तो फटाफट ही शुरू करते हैं। आप लोग नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। तो भाई यहाँ पर मैंने ग्लव्स पहन लिए सेफ्टी के लिए और टेबल भी हमने चेंज कर लिए ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पर मैं छोटी वाली फेविक्विक को खोल करके और नाइट्रोजन में डालने वाला हूँ और बूंद बूंद करके ये इसमें जा रही है। एंड गाइस सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। एंड नाइट्रोजन देखो थोड़ी सी बॉयल सी करने लग गई क्योंकि फेविक्विक का टेम्परेचर ज़्यादा था। और फेविक्विक कहाँ गई भाई, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। और फेविक्विक की स्मेल आ रही है भाई साहब इसमें, ये तो है। और फेविक्विक गई कहाँ? ओहो, तो अब एक काम करते हैं इसमें और फेविक्विक डालते हैं। हमारे पास में बड़ी वाली जो कि उस वाली फेविक्विक से 100 गुना ज़्यादा है। फिर नाइट्रोजन आपके सामने और यहाँ पर बहुत तेज स्मेल हो गई। ओ तेरी, अरे यार, ओहो थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, आँखों में जा रही है इसकी जो भाप है वो, और अब जो है जा करके कम हो गई है ये। तो भाई आपकी जो फेविक्विक थी वो कुछ इस तरीके की बन गई है नाइट्रोजन में डालने के बाद में। देखो मतलब एक सॉलिड सा क्या कहूँ मैं इसको, बर्फ जैसी चीज़ बन गई, दाने दाने से बन गए। तो यार अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। आई डोंट नो कि हम जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये फिर से चीज़ों को चिपका पाएगी या नहीं। तो एक काम करते हैं, इस कटोरी में इस जमी हुई फेविक्विक को निकालते हैं। और गाइस यार अगर आप पहली बार सॉलिड फेविक्विक देख रहे हैं तो लाइक बिल्कुल ज़रूर से कर देना, एकदम यूनिक आइडिया है, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। और भाई ऐसे करके इसको हम पी, अरे वाह। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये वापस से गर्म हो और उसके बाद में टेस्ट करके देखें कि क्या ये उसके बाद भी काम करता है। तो भाई यहां पर वापस से फेविक्विक जो है गर्म हो करके लिक्विड बन गई है और मुझे लगता है इसके ओरिजिनल फॉर्म में आ गई है। देखो थोड़ी बहुत फेविक्विक अभी भी सॉलिड फॉर्म में यहां पर बची हुई है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास में एक पाइप और बैंड है जो कि देखो ऐसे बाहर निकल जा रहा है, मतलब कि ये इसमें रुकता नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि ये चिपका नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको डुबा रहा हूँ भाई साहब सीधा फेविक्विक में, और अब मैं इसको डाल दे रहा हूँ इस बैंड में, और अब इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, फिर देखते हैं कि ये चिपका है या नहीं। और भाई जब तक ये चिपकता है तब तक एक काम करते हैं, इस फेविक्विक में डालते हैं पानी। आपको पता ही होगा कि फेविक्विक में पानी डालने पर वो क्रिस्टलाइज सा हो जाता है, और भाई इसमें मैं डाल रहा हूँ पानी। तो यहाँ पर बिल्कुल जो पानी है उसने फेविक्विक के साथ में रिएक्शन किया है और इसको क्रिस्टलाइज कर तो नहीं हुई थी। और यार ये काफी गर्म है। तो अब देखते हैं हमारे इस पाइप और बैंड को, आपने देखा था ये कितना आसानी से निकल जा रहा था। तो अब मैं इसको खींचता हूँ तो भाई साहब ये तो चिपक गया, ये इतना पक्का चिपक गया कि मैं कुछ भी कर लूँ चाहे, लेकिन ये हटने का नाम नहीं ले रहा। मतलब कि फेविक्विक ने इसको ढंग से चिपका दिया भाई साहब। तो भाई ये फेविक्विक तो नाइट्रोजन में डालने के बाद में जम जाती है और वापस निकालने पर फिर से लिक्विड बन के वही काम करती है जो पहले करती थी। तो भाई साहब अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई ऐसी ही और मस्त मस्त एक्सपेरिमेंट वीडियोज के लिए।